एक आदमी जो अपने ग्लासेस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, उसके लिए अपने ग्लासेस को एक जगह पर रख कर भूल जाना, ये उसके लिए बहुत परेशानी वाला काम हो सकता है। बट आज मैं आपको ऐसे दो ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने विजन को कुछ हद तक इंक्रीज कर पाओगे। आपकी विजन इतने हद तक इंक्रीज हो जाएगी कि आप ब्लैक बोर्ड में जो भी कुछ लिखा है उसे आसानी से पढ़ पाओगे, या अगर आप अपने ग्लासेस को किसी जगह पर रख कर भूल गए हो तो उसे क्लियरली देख कर आप ढूंढ पाओगे। बट मैं क्लियरली ये स्पेसिफाई कर देता हूँ कि इससे आपकी विजन परमानेंटली करेक्ट नहीं होगी, बट आप चीजों को थोड़ी देर के लिए क्लियरली देख पाओगे। नंबर 1, स्क्विंट फॉर बेटर विजन। स्क्विंटिंग एक बहुत पॉपुलर वे है ब्लर विजन को करेक्ट करने का, और सबसे इजीएस्ट भी। अब ये जो आप इमेज में एक आदमी को देख रहे हो, इन्होंने अपने आंखों को छोटा कर लिया है और इसी कारण से इनका फोकस करना इंक्रीज हो गया है, और अपने आंखों को छोटा कर लेना ही स्क्विंटिंग कहलाता है। स्क्विंटिंग के ऊपर एक बहुत पॉपुलर मिथ है कि ये एक बहुत बुरी आदत होती है और ऐसा करने से हेडेक होता है, बट दैट्स नॉट फुली ट्रू। हाँ, ये सच है कि ऐसा करने से हेडेक होता है, बट ये इसीलिए होता है क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो ऐसा करने के कारण हमारे बहुत से फेशियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं या एक्टिव हो जाते हैं, और इसी कॉन्ट्रैक्शन के कारण हेडेक होता है। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्क्विंटिंग करें पर हमें हेडेक ना हो? तो एक सॉल्यूशन है, बैकवर्ड स्क्विंटिंग। मतलब सबसे पहले आप अपनी आंखों के कॉर्नर में अपने दोनों उंगलियों को रख कर आगे पीछे करके देखो, और हो सकता है कि इससे आपके लेंस में चेंजेस दिखाई दे और जिसके वजह से आपको क्लियरली दिखाई दे। अब अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो स्क्विंटिंग करना हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं रेकमेंड यही करूंगा कि इसका जब जरूरत हो तभी यूज करना। रूल नंबर 2, इसका ओवर यूज कभी भी मत करना। अब इन दोनों रूल्स को आप किस तरीके से अप्लाई करते हो वो सब आप पे डिपेंड करता है। नंबर 2, यूज योर फिंगर टू क्रिएट अ पिन होल। अब बस करना ये है कि अपने हाथों को फोल्ड करके एक पिन होल बनाना है, और उसका यूज़ करके आपको केवल किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है जिससे आप उस ऑब्जेक्ट को देख सको। एंड बाय द वे, अगर आपको उंगलियों का यूज़ नहीं करना है तो आप पेपर या फिर कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल में ले सकते हो। तो हमारी ये वीडियो अभी यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, और अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय द वे, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ऑन कर देना, और ऑन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं जब भी कोई वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर जरूर करना ताकि उनको भी ये अमेजिंग नॉलेज मिल सके। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।